हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी से वर्ल्ड फेमस कुल्लू दशहरा उत्सव की वीडियो शेयर कर रही हूं। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में ढालपुर मैदान में मनाया जाता है और ये बहुत ही अनोखा इसलिए भी है क्योंकि जब सभी जगह दशहरा जिस दिन समाप्त होता है उसी दिन यहाँ पर दशहरा उत्सव शुरू होता है और ये 7 दिनों तक चलता है। और इस उत्सव में इस घाटी के, इस ज़िले के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है। इस साल 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, पालकी में सवार एक एक करके सभी देवी देवता यहाँ पे आ रहे हैं और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और आपको ये जो रथ दिख रहा है जो कपड़े से ढका हुआ है, ये रघुनाथ जी का रथ है। और रघुनाथ जी के रथ के सामने सभी देवी देवता आते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी। और धीरे धीरे करके सभी देवी देवताओं का कारवां आते जा रहा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, ऐसा लगता है सीधे स्वर्ग से धरती पे देवी देवता आ गए हैं और देव मानस का बहुत ही अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। ये रथ यात्रा हिडिंबा देवी और भेकली की भुवनेश्वरी माता के इशारे के बाद ही आरम्भ होगी। आप देख रहे हैं सभी देवता बारी बारी से रथ की परिक्रमा करते हुए, साल भर देवी देवताओं को भी इंतजार रहता है भगवान रघुनाथ जी का दीदार करने के लिए। जैसा कि कहा गया है कि 331 देवी देवताओं को इस बार जिला प्रशासन ने निमंत्रण भेजे हैं दशहरा उत्सव के लिए। नतमस्तक होता हुआ और कहते हैं कि जो इन देवतों की जो मूवमेंट होती है ये देवता की मर्जी के अनुसार ही होती है और ये देवी देवता स्वयं अपनी जगह तय करते हैं, स्वयं जो इनकी इच्छा होती है वो तय करते हैं और जो इनको उठाने वाले होते हैं इनकी देवता की मर्जी के अनुसार ही मूवमेंट इनकी होती है। इसका साक्षात प्रमाण आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार या देवत भीड़ के बीच से रास्ता निकालने के लिए भी ये रथ अपने मोमेंट बनाते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो भी मूवमेंट होती है इनके पालकी की या जो इनका रथ है वो देवी देवता खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ पे रहना है और वो कितना झुकना चाहते हैं और किस तरह से अपने रास्ते को वो तय करते हैं, भीड़ को वो किस तरह से हटाते हैं। जब रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो हिडिंबा देवी खुद अपने रथ के मूवमेंट से जो है भीड़ को इधर उधर करती हैं और पूरी भीड़ एक साइड हो जाती है जब हिडिंबा देवी का रथ से वो भीड़ को पूरी तरह हटाती हैं कि हाँ अब रघुनाथ जी का रथ आगे चलेगा। तो ये सारी मूवमेंट जो होती है देवी देवता की मर्जी पे डिपेंड करती है और ये जो भी इसमें मूवमेंट हो रहा है आप देख रहे हैं, जो रथ आ रहे हैं जब वो अपने गांव से चलते हैं बिल्कुल सीधा रहते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो रघुनाथ जी की रथ के पास पहुँचते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और जो उनकी मर्जी होती है वो वही करते हैं। सभी रघुनाथ जी के रथ के पास ही रुकना चाहते हैं, उनके आस पास रहना चाहते हैं, तो आते हैं, वो नतमस्तक करते हैं, परिक्रमा करते हैं और जो भी मूवमेंट आप देख रहे हैं रथ की, पालकी की, वो सारी मूवमेंट देवी देवता पर ही डिपेंड करती है। वो अपना खुशी को जाहिर करते हैं, भीड़ को भी इधर उधर करते हैं जगह बनाने के लिए और ये सारी मूवमेंट उनके ऊपर ही डिपेंड करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो देवी देवता आपस में किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं या आई डोंट नो से क्या कहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस तरह से वो मोमेंट था यहाँ पे जो मैंने कैप्चर किया और आप देख सकते हैं वो दोनों ही रथ जो हैं रघुनाथ जी के रथ के पास ही खड़े हैं और इसी तरह से धीरे धीरे सारी देवी देवताओं का पालकी या रथ आते रहेंगे और रघुनाथ जी के पास वो प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहेगा। आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अभी भीड़ हो जाएगी। अभी आपको ये जो मैदान थोड़ा बहुत जो खाली दिख रहा है वो बिल्कुल भी एक आदमी के खड़े होने की भी जगह आपको नहीं दिखेगी। अभी धीरे धीरे करके श्रद्धालु और देवता के जो गण हैं वो भी आते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता रहेगा धीरे धीरे।
रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा है वो तभी स्टार्ट होती है जब हिडिंबा देवी मैदान में आ जाती हैं। और हिडिंबा देवी को दादी कहते हैं, दादी माना जाता है, हिडिंबा देवी मनाली की देवी हैं। और जब वो आ जाती हैं मैदान में तभी रथ यात्रा शुरू होती है। और रथ के पहिए तभी हिलते हैं जब भेखली माता की तरफ से इशारा आता है। भेखली माता ढालपुर मैदान में नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ से उनकी पहाड़ी की चोटी दिखती है और वो वहाँ से ही इशारा करती हैं कि हाँ अब रथ यात्रा शुरू की जाए। तभी रघुनाथ जी के रथ के पहिए हिलते हैं। यहाँ पे एक देव धुनि बजाई जाती है, वो जब भी जितने भी रथ आते हैं वो देव धुनि बजती रहती है और बहुत ही गाजे बाजे के साथ ये रथ यात्रा प्रारंभ होगी। अभी हिडिंबा देवी मैदान पे नहीं आई हैं और रघुनाथ जी का रथ तो यहाँ पे है, लेकिन रघुनाथ जी भी सोने की पालकी में बैठ के आएंगे, अभी वो भी नहीं आए हुए हैं। और फिर यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना होगी, उसके बाद ये रथ यात्रा शुरू होगी। देखली की पहाड़ी पर विराजमान माता भुवनेश्वरी, जो कि स्वयं चारा उत्सव में शिरकत नहीं करती हैं, वो सामने की पहाड़ी से आशीर्वाद देती हैं और एक संकेत के माध्यम से जो आशीर्वाद देंगी, तब यह रघुनाथ जी का कारवा धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ता हुआ और जैसे ही सोने की पालकी में रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद उसमें पूजा अर्चना की जाएगी। और आने वाले 7 दिनों के दौरान ढालपुर मैदान का नज़ारा एक देव लोग जैसा नज़ारा होगा, क्योंकि सभी देवी देवता 7 दिनों तक अपने अस्थायी शिविरों में यहाँ वास करेंगे, विराजमान होंगे और प्रत्येक दिन सुबह शाम देवताओं के शिविर में पूजा अर्चना होगी। ढोल नगाड़ों के धुन पर, संत होने के बीच में सेनाएं की धुन पर प्रतिदिन सुबह शाम जब आरती होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा देवलोक ही यहाँ डॉक्टर सामने ऊपर आया हो। और ये आस्था है समंदर, देवास्था है समंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और रघुनाथ जी की शोभा यात्रा में शामिल तमाम देवी देवता यहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसा कि आप पालकी सामने आप देख रहे हैं, ये जो पालकी है नरसिंह की पालकी, इस पर प्रतिदिन 6 दिन जो है दशहरा उत्सव के दौरान जलेब मिलती है। और इधर तमाम धरती के तमाम देवी देवता, बिजली महादेव, माता हिडिंबा और अन्य देवी देवताओं के देवरथ यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और राज परिवार के तमाम सदस्य भी यहाँ पहुँच चुके हैं। रथ के सम्मुख जो और देवदानी तरफ से देवी देवताओं का एक और बहुत ही बड़ा जोम एक कारवा रणसिंह कलमाल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ मैदान के दक्षिणी छोर से यहाँ प्रवेश करता हुआ, एक साथ कई देवी देवता मेरे दाहिने तरफ से यानी सेंट्रल ग्राउंड के दक्षिणी छोर से प्रवेश करते हुए बहुत ही और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। लगभग सभी देवी देवता यहाँ पे आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि पूरा देवलोक ही यहाँ ढालपुर मैदान पे आ गया है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे स्वर्ग से देवता धरती पे आ गए हैं और देव मानस का मिलन समारोह है ये। अभी देवरथ में रघुनाथ जी के रथ में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, अभी थोड़ी देर में ही उनकी रथ यात्रा निकलेगी और बहुत ही अद्भुत नज़ारा
यात्रा है ये, और सभी देवी देवता यहाँ पे अस्थाई शिविरों में 7 दिन तक यहाँ रहेंगे। सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना होगी और वो सभी देवी देवता हम सभी भक्तजनों को यहीं से आशीर्वाद देंगे। से आए देवी देवताओं के रथ, द्वारा जी के रथ के दाएं बाएं और आगे पीछे अपने पोजीशन ले चुके हैं, और जैसे ही संकेत मिलेगा। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो देवी देवता हैं वो खुद भीड़ को तितर बितर करके रघुनाथ जी की रथ यात्रा के लिए रास्ता बनाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ देवी देवता इसमें से भीड़ को इधर उधर कर रहे हैं, और वो खुद रघुनाथ जी की रथ के लिए, रथ यात्रा के लिए रास्ता बना रहे हैं। रास्ता तैयार कर रहे हैं भीड़ के बीच में से। और इधर परिक्रमा मुझे लगता है कि आप समाप्त होने वाली है। अचानक सभी देवरथों में हलचल शुरू होने हो चुकी है, जबकि संकेत है कि कुछ ही क्षणों में देवी देवताओं को यह कारवां कूच करने वाला है, प्रस्थान करने वाला है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, इस तरह का दृश्य आपको विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यह अद्भुत देव संस्कृति, यह बहुत ही समृद्ध प्राचीन संस्कृति जिसे कुल्लू जिला के वासियों ने आज भी संजो कर रखा है, आज भी बचा कर रखा है, और यह हमारी संस्कृति पहचान यूनि कायम रहे। दशहरा उत्सव के मौके पर हम यही कामना करते हैं, हम कामना करते हैं कि कुल्लू जिला के तमाम वासी जो कि देवी देवताओं में घात श्रद्धा रखते हैं, यह आस्था रखते हैं, उनका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है कि कुल्लू जिला इतना सुंदर और इतना समृद्ध है। और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यात्रा के दौरान जब ये इसमें लीक पैदा हो, फ्रिक्शन से जब लीक पैदा होती है घर्षण से, तो उन पहियों पर पानी फेंका जाता है ताकि वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। प्रतीक है और हमारी जो देव संस्कृति का अभिमान है, और इन्हीं मंगल ध्वनियों के साथ ही जो हमारी जो देवरथ हैं उनकी मूवमेंट होती है, इनके बिना कोई भी देव अनुष्ठान, कोई भी हमारा जो फेस्टिवल है वो पूरा नहीं होता। और इधर राजकुमार के सदस्य और अन्य हनुमान जी के सेवक परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। पूरी परिक्रमा करने के बाद राजकुमार के तमाम जो सदस्य स्थायी शिविर की ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और थोड़ी देर में अभी रथ की रस्सियाँ निकाली जाएंगी और जय श्री राम के उद्घोष के साथ यह कारवां आगे बढ़ेगी। हनुमान जी के सेवकों में इन रस्सियों को पकड़ने के लिए रथ के दोनों कोनों में दो रस्से लगाए जाते हैं। माना जाता है कि इस रस्सी को छूने मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है, और इस रस्सी को छूने के लिए और नाथ जी के इस रथ को खींचने के लिए और मच चुकी है। नाथ जी के भक्त और सेवक ललायत हैं इस रथ को खींचने के लिए, दोनों रस्से निकाल लिए गए हैं।
और ये कारवा पढ़ना शुरू हो चुका है, रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। बहुत ही अद्भुत नजारा और आस्था के इस मंजर को अपने कैमरों में सभी लोग कैद करते हुए बहुत सारे शोधकर्ता और विदेशों से आए लोग सभी इस नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करके यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है इसका प्रचार दूसरे देशों में करें। और आस्था का यह समंदर, भगवान रघुनाथ जी का यह कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि एक मानव समंदर आगे बढ़ रहा हो, एक ह्यूमन सी जो है एक हिलोरे ले रहा हो ऐसा महसूस हो रहा है। और साथ में देवी देवता रघुनाथ जी के दाएं बाएं आगे पीछे सुंदर अध्ययन रथ ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम कामना करते हैं कि हम सब पर आप सब पर भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी देवताओं देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और हम आने वाले वर्षों में भी यूं ही अपने इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को मनाते रहे। बहुत ही अद्भुत धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता हुआ ढालपुर में दूसरे ग्राउंड के अंतिम छोर पर अस्थाई शिविर की ओर बढ़ता हुआ जहाँ रघुनाथ जी का अस्थाई शिविर वहाँ तैयार है रघुनाथ जी के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए। सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आपके सुगम भविष्य की कामना करते हुए और यह कामना करते हुए कि आप सब पर हम सब पर देवी देवता आशीर्वाद बना रहे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर यह रथ यात्रा यह भव्य दिव्य रथ यात्रा के साथ यह दशहरा उत्सव का आगाज हो चुका है।